हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी दोस्तों? आशा करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारे चैनल टेक ऐप में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज मैं आपको वी आर वॉक्स के बारे में बात करने वाला हूं। तो दोस्तों, यहां पर हमने ले रखे हैं दो फ़ोन, जो कि एक है लिनोवो वाइब का और दूसरा है हमारा दोस्तों सैमसंग का। तो दोस्तों, एक 5 इंची का, एक 5.5 इंची का है। तो दोस्तों, इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, बहुत सारी कमेंट आ रही थी मेरे पास कि दोस्तों किस मोबाइल में वी आर वॉक्स चलेगा और किस मोबाइल में नहीं चलेगा। तो दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि दोस्तों VR Vox जो है वो टच वाले एंड्रॉइड फोनों में सब में चल सकता है। बस आपका जो मोबाइल है वो 4 इंची से ज्यादा होना चाहिए और 5.5 इंची से कम होना चाहिए। अब वो कैसे होना चाहिए, वो चीज मैं आपको पहले समझा देता हूँ। VR Vox को साइड में करता हूँ और उसके बाद में मैं आपको पहले मोबाइल से रिलेटेड समझा देता हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं मेरे पास दो फोन है। दोस्तों, मोबाइल का जो ब्रेथ होता है वो ज्यादा से ज्यादा इतना होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा होता है तो आपका VR Vox आपके इस प्लेट के अंदर नहीं लग सकता है जिसमें हमारा मोबाइल फंसता है। तो दोस्तों, इसके अंदर मोबाइल फंसेगा और फंसने के बाद में ही दोस्तों ये VR Vox के अंदर जाएगा। तो सिंपली दोस्तों, आपको मैं एक आईडिया के तौर पे बता दूं कि जो Lenovo Vibe ने फोन बना रखा है ये वाला, वो 5.5 इंची का है। तो 5.5 इंची से ज्यादा आपका मोबाइल नहीं होना चाहिए। हां, उस स्थिति में आप मोबाइल को ले सकते हो जैसे कि आपके मोबाइल की विड्थ सेम है और हाइट उसकी थोड़ी ज्यादा हो। जैसे कि अभी दोस्तों जो लेटेस्ट में फोन आ रहे हैं, तो दोस्तों उनकी फुल स्क्रीन होती है, पूरी की पूरी डॉट नॉच डिस्प्ले वाले जो फोन आ रहे हैं उनको आप ले सकते हो, क्योंकि दोस्तों उनकी जो विड्थ है वो इतनी ही आ रही है जितनी पहले फोन में आती थी। तो दोस्तों, बात करते हैं आप कौन सा फोन लगेगा कौन सा नहीं लगेगा। दोस्तों, सिंपली मैं आपको सबसे पहले सैमसंग का लगा के दिखाता हूं। तो देख सकते हैं आप, सैमसंग का इजीली लग चुका है फोन आप, और ये लगने के बाद में दोस्तों हमारे VR Vox में इजीली लग जाएगा। लगने के बाद में दोस्तों, यूज करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ एक एप्लीकेशन को यूज करना है, उसके थ्रू आप कर सकते हैं। दोस्तों, बात करें Lenovo की, तो दोस्तों Lenovo में ये पहले से ही फंक्शन आता था। तो Lenovo में पहले से ही VR मोड का स्विच ऑप्शन है, तो इसमें कोई आपको एप्लीकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, अब Lenovo को लगा के दिखा देते हैं हम आपको। तो सिंपली दोस्तों, आपको लगाते टाइम एक चीज का ध्यान रखना है कि जो इसके पावर बटन है वो दबने नहीं चाहिए, नहीं तो मोबाइल स्विच ऑफ हो सकता है, वॉल्यूम अप डाउन होने लगेगी। तो दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं, अगर आप इससे ज्यादा हाइट का फोन लगाते हैं, मतलब ब्रेथ और लेंथ इससे ज्यादा की लगाते हैं 5.5 इंची से, तो आपका फोन इसमें नहीं लगेगा। तो आपने देखा अभी 4 इंची का भी फोन लग सकता है, 5 का भी लग सकता है, 6 का भी लग सकता है। 6 इंची का दोस्तों फोन वही लगेगा जैसे कि जो इसकी डिस्प्ले है वो पूरी 6 इंचेस की होगी। अब जो फोन आ रहा है उसमें दोस्तों डॉट नॉच स्क्रीन आ रही है, डिस्प्ले आ रही है, तो दोस्तों उनको भी आप इसमें लगा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। और दोस्तों, बहुत सारे भाइयों की कमेंट आई थी तो उनका अभी आंसर मिल चुका है। वो लोग मॉडल भेज रहे थे मुझे लिख लिख के इसमें लगेगा इसमें लगेगा। तो दोस्तों, ये स्पेशली उन्हीं लोग के लिए वीडियो थी, ऐसा नहीं है उन्हीं के लिए थी, आपके लिए भी है। तो थैंक यू दोस्तों।